इलाहाबाद से खबर है जहां सपा सरकार का पीडब्ल्यूडी घोटाला मामला सामने आया है। कैग की रिपोर्ट लागू करने और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर याचिका हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को कैग संस्तुति लागू करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। तो सपा सरकार के कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी में करोड़ों का घोटाला हुआ था और कैग की रिपोर्ट में ये घोटाला पूरी तरह से उजागर हो गया था। 17 जिलों में जो सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए रकम आई थी उसमें जमकर धांधली की गई। नियमों को ताक पर रखकर अपने अपने चहेतों को ठेके बांट दिए गए। अब इसकी जांच हुई है। कैग की रिपोर्ट में जब खुलासा हुआ है तो अदालत ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए। ये केवल एक घोटाला वो है जो केवल 4000 कुछ समथिंग करोड़ रुपए है जो इसका ऑडिट किया गया है 802 अनुबंधों में। अगर याचिकाकर्ता ने यह कहा कि जो कैग की रिपोर्ट है उसको माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को आदेशित किया जाए कि चूंकि विधानसभा के पटल पर रखी गई और श्वेत पत्र जो उन्होंने सितंबर अक्टूबर के माह में सब उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए उसमें कैग की रिपोर्ट को माना और ये कहा कि नहीं बहुत बहुत बड़ी इम्बेजलमेंट हुए हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ियां की हैं, बहुत बड़ी अनियमितताएं की गई हैं।